हेलो एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। आज दो ऐसे स्टॉक लेके हैं जिनका चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, तो उस पर चर्चा होगी। उस पर चर्चा करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन मिस होगी तो एक भी वीडियो मिस होगी, वीडियो मिस होगी तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिस होगी, नॉलेज मिस होगी तो हो सकता है उससे आपकी कुछ अर्निंग भी मिस हो सकती है। देखिए, दोनों स्टॉक है, चार्ट अच्छा है, जहाँ पे क्या कर सकते हैं आप अपने स्टडी के लिए देख सकते हैं, अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे। किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी स्टॉक का नाम लिया जाता है वो सिर्फ एज ए एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है, और जब लेवल की बात करते हैं यानी कि किस लेवल तक आ सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, वो चार्ट पैटर्न सीखने सिखाने के लिए करते हैं। उस पर तो चर्चा होगी। उस पर चर्चा करने से पहले, जिन्होंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस दी थी, जो रेगुलर है उनको पता है, तो उसके कुछ लेवल हिट हुए हैं, तो सबसे पहले तो उस लेवल को बताते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। देखिए, रैलिस इंडिया पे बताया था 262 के आसपास बताया था, और यहाँ पे क्या बताया था कि एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 345, 360 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई है, 50% यहाँ पे पैसा बन रहा है। और एक OAL 370 के आसपास बताया था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 50% पैसा आपका बन रहा है। और एक TBZ 140 के आसपास बताया था, ये अभी रिसेंटली बताया था, 9 तारीख इसी महीने, पिछले मंथ बताया था 130-135 के आसपास आएगा, वहां से रॉकेट हो जाना चाहिए, तो आज की डेट में 130 से 170। अभी देखिए, अभी कुछ समझने वाली चीज क्या पे है, यहाँ पे अभी इसमें समझने वाली चीज है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक दिए जाते हैं तो वहां पे 40%, 50%, 100% यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है कि हाँ देखिए, ये यहाँ से 50%, 100% तक की रिटर्न दे रहा है, 70%, 80% जो भी है। अभी देखिए, 10 स्टॉक में अगर आपके 9 स्टॉक चलते हैं, एक स्टॉक अगर नहीं भी चलता है, वो मान लीजिए आप 15% डाउन है, मान लीजिए 15% डाउन मान लीजिए आप, और कोई स्टॉक अगर चलता है तो 40%, 50%, 60%, 100% तक चलता है, बताते हैं कि ये इस लेवल तक जाएगा, तो वहां तक होल्ड आप रख नहीं पाते हो। किसके वजह से? बिना चार्ट पैटर्न के नॉलेज की वजह से। अगर आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज होगा, आप इस तरह के जो भी चार्ट यहाँ पे शेयर होते हैं, एक भी चार्ट जो है यहाँ पे, आप जब तक लेवल नहीं आएगा, आप वहां से लेवल हिट हुए बिना आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के चार्ट निकलते तो इस तरह के लेवल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो नहीं होल्ड कर पाता है, वो सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि प्रॉफिट में होल्ड नहीं करता, और जैसे ही लॉस होता है ये होल्ड करता है। अब उस सेकंड चीज क्या होती है, हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक सिलेक्शन आपको देते हैं यहाँ पे कि भैया ये स्टॉक सिलेक्शन है इस चैनल का, ये हर दिन 2 स्टॉक तो आपको मिल जाते हैं, लेवल बता देते हैं, इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक जाएगा। अभी उस लेवल तक वेट नहीं कर पाते, गलती किसकी है? आपकी गलती है। मनी मैनेजमेंट हमेशा कहते हैं, हर दूसरी वीडियो में बताते हैं कि मनी मैनेजमेंट कीजिए, मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। कई मैसेज आते हैं, सर 1000 स्टॉक ले लिए, 2000 स्टॉक ले लिए, 3000 स्टॉक ले लिए किसी एक स्टॉक में, किसने कहा आपको? यहाँ पे हमेशा बताया जाता है कि आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा आपको पैसा नहीं लगाना है अपने फंड का। आपके पास अगर 1,00,000 रुपया है तो आपको 5,000 से ज्यादा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना है। आपकी कैपिटल के हिसाब से आप अपना 5% निकाल सकते हो, उससे ज्यादा किसी एक सिंगल स्टॉक में लगाते हो तो उसकी गलती, अगर वो गिरेगा तो उसकी गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि बिना मनी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं आप सोच रहे 1000 स्टॉक ले लेंगे, 5 रुपए बढ़ेगा, 5000 यहाँ से लेके निकल जाएंगे, और 10 रुपए गिरेगा तो वो आप सोचते ही नहीं कभी हो, इसलिए कभी गिर जाता है तो फिर रोने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो। इसीलिए कहते हैं भैया मनी मैनेजमेंट सीखो, हर दूसरी वीडियो में बताते हैं, अगर इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं काम कर पा रहे हो तो आपकी गलती है। यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट के साथ ही आपको मार्केट में रिवॉर्ड मिलेगा। आप सोचोगे कि किसी एक ही स्टॉक में पैसा बनेगा तो ये आपकी गलती है। आप इस चीज को सीखे, कोई भी स्टॉक अगर आप चाहते हो कि यही एक स्टॉक चलेगा बाकी कोई स्टॉक नहीं चलेगा तो ये आपकी नादानी है। तीसरा क्या होता है, पेशेंस को रखिए थोड़ा सा। जब भी लेवल आते हैं तो आपको ट्रेलिंग करनी आनी चाहिए। जब लेवल देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी यहाँ पे बताया है, ये मान लीजिए कोई एक यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक चार्ट दिया है, ये अगर ऊपर निकल रहा है तो आपको ट्रेलिंग तो आनी चाहिए ना। अभी ये निकला नहीं है, 5 रुपये बढ़ा नहीं कि आपने बेच दिया, क्यों बेचोगे, ये निकल जाएगा। आपको बताते हैं यहाँ पे लेवल देते हैं, लेवल हिट होते हैं, आपको तो उस लेवल तक रुकिए तो सही, आपको पेशेंस होल्ड करिए। जब आप प्रॉफिट में जाते हो आपको होल्ड करना आना चाहिए, नहीं होल्ड करोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप कभी भी नहीं सीख सकोगे। यहाँ पे आपको क्या है, लॉस में तो आप पूरा पेशेंस के साथ बैठते हो,
लॉस हो गया, 20 रुपए नीचे गिरा कोई बात नहीं कवर करेगा, 30 रुपए नीचे गिर गया कोई बात नहीं कवर करेगा। भाई साहब उस समय देख लो मैंने क्या कहा, 10 में से 9 स्टॉक चलेंगे, 1 स्टॉक नहीं भी चलेगा। अगर आप उस समय देख लो कि भाई इसका सेटअप अगर बिगड़ रहा है तो निकल जाओ ना, मगर निकलोगे कैसे, निकलोगे तभी आप कि अगर आपने अपनी कैपिटल का 5% लगाया हो तभी आप निकल पाते हो, क्योंकि आप देखोगे किसी में 40% मिल रहा है, किसी में अगर 10% नहीं भी मिल रहा है कोई बात नहीं, 50% 60% वाले काफी स्टॉक है, आप निकल नहीं पाते क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे अमाउंट लगा दिया रहता है कि आप उस लॉस उसका बेयर नहीं कर पाते हो फिर, कि भाई इतना बेच देंगे तो लॉस हो जाएगा, पकड़े रहो फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल का क्या है मोटो ही यही है कि आप सीखिए, यहाँ पे हमेशा बताते हैं कि आपको स्टॉक सिलेक्शन मनी मैनेजमेंट के साथ मार्केट में रहना है, किसी एक स्टॉक के ऊपर में 5% से ज्यादा लगा रहे हो तो आप खुद गलती कर रहे हो। इस चीजों को जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आप काफी ऊपर तक जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या, अभी ये स्टॉक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का, यहाँ पे इसका वीकली टाइम फ्रेम है। ये चार्ट क्या बता रहा है, ये चार्ट बता रहा है कि ये यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन दे रहा है, यानी कि यहाँ पे इसने काफी क्या किया, टाइम पास कर लिया। यहाँ पे 200 रुपये से आज की डेट में 157 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होती है 200 रुपये के आसपास और एक डाउन टर्न दिखाने आया था 150 रुपये के आसपास। यहाँ पे एक बार कोशिश होती है कि निकले, यहाँ पे डब्ल्यू टाइम का पैटर्न बना के निकलने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। अगेन 140, यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है, 140 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे बार बार 140 के आसपास आता था रिवर्स कर जाता था, 140 का लेवल टूटा, यहाँ पे 120 का लेवल, अब इसके ऊपर जब निकला फिर एक बार 140 का लेवल टूटा यहाँ पे, तो फिर एक लो लगाने आया था 125 रुपए के आसपास। अभी देखिए अभी ये क्या बना रहा है, अभी ये स्ट्रक्चर बना रहा है एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ये स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है काफी टाइम हो गया भाई यहाँ पे एक जोन में फंसे, अब ऊपर के निकलने, यहाँ से कहाँ निकले, अब यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर निकलने की तैयारी होगी। देखिए ये यहाँ से अब धीरे धीरे करके ऊपर के निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी 157 के आसपास है, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस आपको अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका यही स्टॉप लॉस रहेगा 140 रुपए के आसपास, ये छोटा स्टॉप लॉस है, और अगर लंबा स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है 125 रुपए के आसपास, और यहाँ से ये स्टॉप आने वाले साल भर के लिए यहाँ से 50% से लेके 100% तक का एक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तभी यहाँ पे क्या है, आपको स्टॉप लॉस पता है, टारगेट ही पता है, टारगेट लेगा भाई जो चार्ट के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे क्या है, चार्ट बता रहा है कि अब ये धीरे धीरे करके निकलेगा, तो निकलेगा कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको कर लेते हैं हम लोग वीक से मंथ में, तो मंथ में आपको ज्यादा पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मंथ की कैंडल ये है, ये मंथ की कैंडल मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, और उसकी क्लोजिंग कहाँ पे आने चाहिए, उसकी क्लोजिंग आनी चाहिए 165 रुपीस के ऊपर। देखिए 165 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाएगी, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता भी रहा है, यहाँ पे चार्ट बता भी रहा है कि 165 रुपये के ऊपर इसकी मंथली क्लोजिंग आनी चाहिए, 165 रुपये के ऊपर ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, उसके बाद ये चार्ट यहाँ से रॉकेट हो सकता है, रॉकेट होगा तो कहाँ तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 180 रुपया छोटा लेवल है 157 के हिसाब से, 225 रुपया ये लेवल आप लेके चल सकते हो और इसके ऊपर भी आएगा, तो यहाँ पे क्या है 180-225, क्योंकि आज की डेट में 157 के आसपास आपके पास मौजूद है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, यानी कि 1.5 महीना 2 महीना यहाँ पे टाइम लगेगा, कि टाइम पास भी कर सकते हैं, यहाँ पे हो भी सकता है कि आप 1-2 महीना और रुक जाए। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये 165 के ऊपर इसमें मंथ की इसकी क्लोजिंग हो गई तो ये सोच लीजिए अगले महीने ही ये यहाँ से रॉकेट हो सकता है। तो ये स्टॉक को आप अपनी नजरों में रखा और इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए, और ये वीडियो ये स्टॉक किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक जो है ये है क्रीडो ब्रांड का, इसकी लिस्टिंग होती है आपकी 2024 में, यहाँ पे लिस्टिंग होती है 23 दिसंबर में, यहाँ पे 285 के आसपास लिस्टिंग, 320 का एक हाई, आज की डेट में 187 के आसपास, यानी कि अपने हाई से ये आज की डेट में आपको लगभग लगभग 55% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे लगातार कोई भी स्टॉक गिरता है गिरने दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है लगातार लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके यहाँ पे ये लगाते चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है,
यहाँ पे इसने क्या किया, इस जगह पे देखिए यहाँ पे क्या किया, नया लोअर लो लगाने नहीं गया, यानी कि क्या इसने क्या बताया कि यहाँ पे थोड़ा अभी हम सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। वो लेवल क्या था, वो लेवल था 160 रुपये के आसपास। ये इसमें भी क्या किया कि नहीं, नया लो फिर से नहीं लगाने गया यहाँ पे, और इस बार भी इसने क्या किया, नया लो लगाने नहीं गया, यानी कि नीचे की तरफ नहीं गया। ठीक है, ये कैंडल बता रही है कि काफ़ी हो गया नीचे की बात, अब चलते हैं रिवर्सल की तैयारी करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम है, नया लोअर लो लोअर हाई नहीं लगाने गए। यहाँ पे इस कैंडल ने बताया कि नहीं, अब यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे वीक से कर लेते हैं, इसे डे से कर लेते हैं, इसे वीक में कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगातार गिरता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार गिरता है। ये वीक की कैंडल बताती है, अप्रैल की कैंडल है जो, तो यहाँ पे बताता है कि अब इसके नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 160 का एक मार्क टच किया कि हाँ 160 रुपये ही बेस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या किया इसने, 160 के आसपास ही यहाँ पे एक लो लगाता है, वहाँ से ऊपर हो जाता है वीकली क्लोजिंग, यहाँ पे भी 160 के आसपास। और इस बार इसने क्या किया कि चलो भाई कन्फर्म करते हैं कि अब 160 के नीचे अभी की डेट में हम जाने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आज की डेट में 187, अभी 187 में घुस जाए क्या, नहीं 187 में मत घुसिए। यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ट नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। देखिए ये चार्ट एक बार के लिए 170 से लेके 175 की रेंज में आएगा, अभी 170 से लेके 175 की रेंज में आएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये यहाँ से मान लीजिए अभी एक डिप देता है, आप डिप का इंतजार कीजिए, यूँ इस जगह पर मत घुसिए, इस जगह में घुसने से थोड़ा रिस्क हो सकता है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप का इंतजार कीजिए, डिप के बाद जैसे ही ये ऊपर जाने की तैयारी करे तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यही, ये 160 रुपया का लेवल ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या है 170 से लेके 175 का एक लेवल आपके पास है, और नीचे में आपका 10 रुपया 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। ये स्टॉक अगर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो आपका यहाँ से 1:4 1:5, यानी कि 15 रुपये का अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो आपका पाने के लिए यहाँ से 50 से लेकर 75 रुपये काफ़ी आसानी से आराम से यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए चार्ट का रिवर्सल इसी तरीके से ही होता है, किसी भी कोई भी चार्ट डाउन ट्रेंड में लगातार जाएगा तो वहाँ पे कुछ इंडिकेशन देगा, उसके बाद ही आपको एंट्री करनी है, कहीं पे भी यूं ही एंट्री करोगे तो आप फंस सकते हो। तो ये स्टॉक है, ये दोनों स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा, हो सकता है कि ये स्टॉक 170-175 की रेंज में थोड़ा यहाँ पे क्या कर जाए, टाइम पास ही कर जाए यहाँ पे, इस तरीके से कुछ टाइम पास कर जाए उसके बाद निकले। तो आपको क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये जो जगह रहने वाली है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्युमुलेशन कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस आपके पास है, और टारगेट यहाँ पे 225-250, ये दोनों लेवल आने वाले 3 से 4 मंथ में काफ़ी आसानी से पॉसिबल लगते हैं। किसी भी और स्टॉक के बारे में जानना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।